Now I will request Maulana Shahidullah to come and present the resolution. जो कॉन्फ्रेंस की रेजोल्यूशन कमेटी ने ड्राफ्ट की है, मैं इसको पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, इसे आप सुनिए और उन सब की तायद आप सिर्फ आखिर में एक बार करेंगे, इसलिए कि अभी आप लोग खाना भी खा रहे हैं, आपके हाथ वैसे ही मसरूफ हैं। 9 रेजोल्यूशन से अगर 9 बार मैंने हाथ उठवाया तो फिर खाना भी आपका आपके हाथ ही में रह जाएगा। तो पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हमारे दोस्त इदरीस साहब उसको डच में पढ़ेंगे और फिर सबसे आखिर में जो जालिमाना टैक्स वसूल किया जाता है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इसे भी सऊदी अरब की मौजूदा हुकूमत ख़त्म करे। रेजोल्यूशन के अल्फाज ये हैं, द सऊदी गवर्नमेंट इज कॉल्ड अपॉन टू लिफ्ट द वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ऑन उमरा हज एंड ज़ियारा एंड ऑल द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन पिलग्रिम्स इंटेंडिंग टू परफॉर्म हज। The conference considers these hampering taxes as unlawful. ये तीसरा रेजोल्यूशन हम उन मजलूम मुसलमानों की ताईद में यहाँ पेश कर रहे हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सताए जा रहे हैं, जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। Special attention and action of the United Nations is requested with regard to the poor protection of the Muslim communities in Lebanon, Sri Lanka, Burma, Afghanistan, Philippines and Russia. The respective governments are called upon to restore the fundamental rights, religious and cultural liberty, security of life and property, freedom of movements and residence, the halt to arbitrary arrest, detention and confiscation of properties, freedom of speech and protection from oppression and persecution. चौथा रेजोल्यूशन जो है वो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन और मुसलमान भाइयों की हिमायत के सिलसिले में, the conference calls for the immediate, total and unconditional withdrawal of Russian troops from Afghanistan in order to stop the genocide in that country and preserve the territorial integrity and full independence of Afghanistan and the right of self-determination. People of Afghanistan should have the right and freedom to determine their own form of government without any foreign interference in their internal affairs. पांचवा रेजोल्यूशन ये बैतुल मुकद्दस की आज़ादी और फलस्तीनी मुजाहिदीन की हिमायत के सिलसिले में है। ये छठा जो रेजोल्यूशन है ये यहाँ हॉलैंड के मुसलमानों के तंजीमी मामलात को बेहतर तौर पर चलाने के सिलसिले में है। ये सातवां रेजोल्यूशन इराक और ईरान में जो जंग एक तवील अरसे से जारी है उस सिलसिले में है। आठवां रेजोल्यूशन ये तमाम आलमी इस्लाम में इस्लाम को और निज़ाम मुस्तफ़ा को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की अपील है। ये द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीकाज बारबेरिक अपार्थेड पॉलिसी टूवर्ड्स द नॉन वाइट सिविलियंस। इस तरह ये 9 रेजोल्यूशन मंजूर तैयार किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन तमाम रेजोल्यूशन को आप इत्तेफाक राय से डच जुबान में, ताकि हम फिर इन तजावीज़ को दुनिया के तमाम अखबारात को भेज दें और इसका ऐलान किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस प्रपोज़ल से और इस रेजोल्यूशन से जो पढ़े गए हैं उन तमाम रेजोल्यूशन से आप इत्तेफाक फरमाएंगे। एक बार हाथ उठाकर आप उसकी तायद फरमा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तायद का। और अब बाकी प्रोग्राम अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी आपके सामने पेश हो रहा है।